So given may you are having a parallelogram ABCD in which the diagonals are equal and prove karna hai aapko that it is a rectangle. So how to prove this? Parallelogram ko rectangle kaise prove kar sakte hain? With one angle 90 degree. ठीक है, अब हमें given है जो वो हम ले लेते हैं diagonals. ये हमें इक्वल गिवन है. हम इसमें क्या करेंगे, हमने एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो उसके लिए हम पहले बी और सी एंगल इक्वल शो कर दें, या ए और डी इक्वल शो कर दें, या सी और डी इक्वल शो कर दें, तो फिर को इंटीरियर से उनका सम 180, अगर वो इक्वल है तो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. हाँ जी, पहले एंगल्स इक्वल शो करने पड़ेंगे ना, पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेनी पड़ेंगी. जैसे मैं यहां ले रही हूं ए बी सी, और इधर से बी सी डी. इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं एंगल बी और एंगल सी इक्वल शो कर दूंगी, फिर वही ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर से वो 90 डिग्री शो हो जाएगा आपका. ठीक है, नाउ हाउ टू शो दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल. एबीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ. सी डी, इज इट करेक्ट? बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, ओके, इज इट ओके नाउ? चलिए, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, वी डोंट नीड टू शो पैरेलल, हमें इक्वल इक्वल लेनी है वो गिवन. ए सी इक्वल टू बी डी, इट्स गिवन. सो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी. ए बी सी और सी डी बी को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. हाँ, तो बाय सी पी सी टी आ गया, एंगल बी और इधर से लो सी एंड बी आर इक्वल. बी ले लो यहां पे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, फुल वाला एंगल है ये आपका. चले आगे, क्या आएगा आगे? इधर लिख दूं यहाँ पे, नाउ यहां लिखो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी डी, बी सी इज ट्रांसवर्सल देयरफोर एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री को इंटीरियर. चलो कंप्लीट इट, एंगल बी प्लस एंगल बी
is 180 using 1. उसके बाद लिखेंगे इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल. हाँ जी बेटे मेरी बात सुनो, जिसको चाहिए फैन वो सारे पीछे हो जाओ, जिनको नहीं चाहिए वो आगे हो जाओ, या उल्टा कर लो, जिनको नहीं चाहिए वो पीछे चले जाओ, जिनको चाहिए वो आगे आ जाओ. अच्छा जी ठीक है, जिनको चाहिए वाले कम है वो पीछे हो जाओ, बस नो आर्ग्यूमेंट्स नाउ, पीछे वाले चला दो बच्चे. एंड नाउ नोबडी विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस. हाँ जी इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, नाउ कीप क्वाइट. इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव. हाँ जी हाँ जी, इसमें ना एक बार चेक करो, मुझे थोड़ा सा लग रहा है अभी भी डाउट. एंगल्स में थोड़ा लग रहा है मुझे, ए के साथ एक, लेट मी चेक, ए बी सी है, बी सी कॉमन है ना, एक सेकेंड, ए के वेट, बी और सी आपके इक्वल है, देन ये वाला एंगल डी सी बी 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 के कॉरेस्पॉन्डिंग सी लेने आप. ए सी एंड बी डी ठीक है, ए बी एंड सी डी ठीक है, बी सी बी सी ठीक है. जस्ट मेक अ करेक्शन, ये एंगल जो ट्राइंगल नेम था वो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बन रहा था, तो मेक इट डी सी बी, ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी सी बी, दोनों जगह पे करेक्ट करो इसको. हरसिमरन हैव यू डन, बी क्विक. मिलन के पीछे आ जाओ, हरसिमरन आप. अभिषेक वेयर आर यू सिटिंग, यहीं बैठ जाओ जिस बेंच पे हो आप, सिट ओवर हियर ओनली. मेहर शिफ्ट टू योर लेफ्ट साइड, तनिष्क यू ऑल्सो कम ओवर हियर. इज इट डन, जल्दी करो बेटे, पहले आप बातें करते रहते हो. हां जी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड. तनिष्क चेंज योर सीट. एनी डाउट्स बेटे? ये देखो हमने जो लिखा है, बीसी और बीसी हमने इक्वल लिया, देन हमने ए बी और सी डी इक्वल लिया, एंड देन ए सी और बी डी. ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन में वी आर गिवन, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. अब हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, देन इट इज अ रोम्बस. रोम्बस के लिए क्या कंडीशन शो करते हैं?
और हमें दो कंडीशंस गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये गिवन है. हमें क्या शो करना है, दैट द ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो गिवन क्या लिखोगे? फिगर कौन सा बनाएंगे? किसने किसको मारा है? If I'm being lenient with you people, it doesn't mean you are free to do anything in my class. Don't compel me to be strict in your class. And straightforward, I will make the call to your parents if you are not sitting attentively in the class. And take it as a last warning. Dhruv Gulati, just stand. Gupta or Gulati? Stand up over from there. Come along with this. Come to the third bench. Yes. You shift to the last bench. And there should be pin drop silence when I am explaining any of the solutions. It's a quadrilateral given. We are given that the diagonals bisect each other at right angles. This is a quadrilateral ABCD. अभी भी आवाज आ रही है बोलने की? हम थोड़ा सा हम कैमरा ऊपर कर दो. A quadrilateral ABCD. Second, AC and BD. Bisect at right angles. That is, this IE stands for, that is, OD is equal to OB. OA is equal to OC. To prove, now I have to prove adjacent sides to be equal. तो कोई भी दो adjacent triangles आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है? Clear? हमने ले ली AOD. And AOB. Hanji, this is third question. Third. Hanji, AOAO common. Angle this is equal to angle this, each 90 degree. OD is equal to OB, it's given. So the triangles will be congruent by SAS congruency rule and the corresponding, yes. AD is equal to AB. तो ये adjacent sides आ गई, but हमें चारों equal show करनी है. Similarly, AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to DA. So it means all the sides are equal, and since all the sides are equal and diagonals bisect each other at 90 degrees, so it is a rhombus. In triangle AOD and AOB, AO is equal to OA or AO also you can write down, common. Angle AOD is equal to angle AOB, each 90 degree. Then third condition. By SAS congruency rule, triangles are congruent.
So by CPCT, AD is equal to AB. Similarly, AB is equal to BC. BC is equal to CD. CD is equal to DA or AD also you can write down. From 1, 2, 3 and 4, AB is equal to BC is equal to CD equal to DA. This implies ABCD is a rhombus. रोम्बस क्यों है क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस पैरेलल लाइंस क्या गए एल वाई जैसे ये था ना इसी तरीके से आप AO B एंड BO C लोगे इसमें BO कॉमन ये एंगल्स 90 डिग्री और ये दोनों आपको इक्वल गिवन है तो सेम SAS कांग्रेस सिमिलरली का मतलब जैसे आपने ये रूल्स अप्लाई किए हैं सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं तो यू नीड नॉट शो इट अगेन अदरवाइज वो आपका सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाता है इज इट डन बच्चे कौन सी नहीं ये शो करने पड़ेंगे सारे हाँ जी चलें नेक्स्ट पे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 हाँ जी किसमें सिमिलरली ये लो ऐसे लिख लो बता रही हूँ सिमिलरली जब भी हम लिख देते हैं इसके बाद जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट होता है हम सिर्फ रिजल्ट लिखते हैं वो हम प्रूव नहीं करते अब ए बी इक्वल टू बी सी मैंने क्या किया ये दो ट्राइंगल्स ले ली पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड ली अब मैंने सेकंड और थर्ड ले ली तो इसमें ए बी और बी सी को इक्वल शो करते हैं अब थर्ड और फोर्थ लेंगे तो बी सी एंड सी डी इक्वल हो जाएंगे फिर फोर्थ एंड फर्स्ट लोगे तो सी डी एंड ए डी इक्वल हो जाएंगे सुना है नहीं है बातें कर ले पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नाउ शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री अब क्या क्या गिवन है हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ तो क्या गिवन है और प्रूफ क्या करना है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इट मींस यू आर गिवन अ स्क्वायर और प्रूफ क्या करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री तो हमने स्क्वायर बना लिया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री स्क्वायर के डायगोनल्स हमने प्रूफ करने हैं तो क्या क्या लेके चलेंगे एक सेकेंड ए सी को मुझे प्रूफ करना है इक्वल टू बी डी मुझे डायगोनल के लिए पूरी साइड चाहिए A, B, C, A, B, C, A, B, C, A.
कोई ये वाली और ये वाली प्रूव करनी है इक्वल, तो मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया एंड एक ये ले लिया, अब ट्राइंगल के नेम्स हाँ डीसी कॉमन हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी डी, डायगनल्स इक्वल हो गए, बच्चे स्क्वायर गिवन है ना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, हाँ जी स्क्वायर गिवन है मतलब हमने एंगल सी और डी 90 डिग्री ले लेना है और साइड्स इक्वल ले लेने, डायगनल्स प्रूव हो गए, हाँ जी ले सकते हैं, बट उसमें मेरा एंगल जो मैंने ट्राइंगल्स लिए हैं उसमें मेरा एंगल बी नहीं ना आ रहा पूरा, मैंने ये वाली दो ट्राइंगल्स ली हैं, डिपेंड्स कि आप कौन सी ट्राइंगल ले रहे हो, ठीक है ना, मैंने जो डायगनल ए सी और बी डी के साथ मुझे जो लगी मैंने ये ले ली, आप ऊपर वाली भी ले सकते हो एज यू विश, फर्स्ट पार्ट क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, दैट द बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर के लिए ओपोजिट वाली ट्राइंगल्स लोगे आप, ठीक है, एडजेसेंट नहीं लेनी, ओपोजिट लेके चलोगे, ओके ए ओ डी एंड बी ओ सी में ये इक्वल हो गए, और हाँ ये और ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, डायगनल्स बाइसेक्ट हो गया, अब हमारा थर्ड काम क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब भी परपेंडिकुलर शो करना है इस तरह के चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यू आर टू टेक द एडजेसेंट ट्राइंगल्स, अब एडजेसेंट वालों को क्या प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, पहले एडजेसेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या लेंगे, ओके ए ओ डी एंड ए ओ बी हमने ले लिया, ये इक्वल और ये कॉमन, थर्ड कंडीशन ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अर्लियर पार्ट में, तो ट्राइंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई मतलब ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो गए बाय सीपीसीटी इक्वल हो गए, बट दीज फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जब भी इक्वल एंगल्स फॉर्म करते हैं दैट एंगल इज 90 डिग्री, तो हेंस प्रूव, ठीक है, अब गिवन लिखेंगे कौन सा, हाँ जी हाँ जी, चलिए गिवन में स्क्वायर एबीसीडी टू प्रूव डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स इक्वल है मीन्स हमने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी, एंड सेकेंड क्या प्रूव करना है हमने, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और एंगल्स 90 डिग्री, अप्रूव इन ट्राइंगल ए डी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ कौन सी ट्राइंगल होगी, ए डी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेकेंड, डी और सी हम 90 डिग्री ले रहे हैं, ये सेंटर में आ गया, अब ए के साथ क्या लोगे, इज इट करेक्ट, क्योंकि ए डी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, तो ए डी के साथ ये हमने क्या ले लिया बी सी, अदरवाइज यू कैन चेक इन दिस वे, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी,
चलिए अब क्या लिखें यहाँ पे, AD इज इक्वल टू BC, क्या रीजन है? डायगनल कहाँ से आ गए? सेकेंड CD is equal to CD common. कौन सा रूल लगा? So by CPCT, AC is equal to BD. पार्ट वन प्रूव हो गया ये आपका. अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड दैट, हाँ जी, ओपोजिट. पहले OA is equal to OB वाला प्रूव करेंगे ना. नाउ इन ट्राइंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बन सी बनेगा ना एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लोगे जब, ठीक है? तो ए ओ डी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी ओ बी, अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो, ओ डी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ओ बी लेना है, तो ओ डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ बी, ठीक है? चलिए अब क्या लेंगे यहाँ पे, एंगल ए ओ D is equal to BOC. ये पार्ट कर लो, थर्ड पार्ट वी विल डू. वन इज इक्वल टू टू, थ्री इज इक्वल टू फोर. आई एम स्टिल राइटिंग ऑन द बोर्ड, हाउ डेयर यू लीव योर सीट्स. मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग द सम. बेल डजंट मींस दैट इज एन इंडिकेशन फॉर यू टू लीव द सीट्स. एंगल वन और टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, थ्री और फोर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. This is part two, half proof हो गया. Rest of the part we will do tomorrow. Online students, you can take the screenshot because I am ending the meeting. You can take a screenshot, बच्चे.